श्री राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी मेरे फैमिली मेंबर का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं सदैव यही प्रार्थना करता हूँ, आप सदैव मुस्कुराते रहें। मैं आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, आपके चेहरे पर प्रसन्नता देखना चाहता हूँ। केवल मैं यही चाहता हूँ कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, कर्जे से मुक्त रहें। कर्जा तो बहुत ही खराब चीज है। धन आपके जीवन में आता रहे, रोग आपको लगे ना, आपके जीवन में सदैव खुशियां विराजमान होकर आ जाए, आपकी सदैव सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। पर आपसे मैं भी एक प्रार्थना करूंगा, यदि आप ये सब कुछ चाहते हैं तो अपने जीवन से पाप करना बंद कर दें। किसी का पैसा मत खाएं, किसी से दुश्मनी मत रखें, किसी जीव की हत्या मत करें, किसी की चोरी मत करें, चरित्रहीनता मत करें, किसी की बहू बेटियों पर गलत नजर मत डालें। जितने प्रकार की गलत कार्य होते हैं वो सब आप लोग छोड़ दें, यदि अभी तक करते आ रहे हो। यदि आप ये चाहते हैं सारी खुशियां, क्योंकि तो व्यक्ति को अपने कर्मों के कारण ही सारे पल भोगने पड़ते हैं। फिर भगवान को आप लोग दोष देते हैं, दोष भगवान का नहीं है, दोष आपका है। आप कौन से अच्छे कर्म करते हैं? अच्छे कर्म करिए, आपको निश्चित फल प्राप्त होगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, गलत आदतों को छोड़ दें, तो आपके जीवन में समस्याएं धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी और आगे फिर जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं। और आज मैं जो आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं, इस प्रयोग के द्वारा आपकी जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बहुत से लोगों की इच्छाएं हैं कि नौकरी नहीं लग रही, उनकी नौकरी भी लग जाएगी। विवाह डेली फोन आते हैं, 33 के हो गए, 34 के हो गए, 40 के हो गए, 45 के हो गए, विवाह ही नहीं हो पा रहा है, विवाह की इच्छा है पूर्ण हो जाएगी। संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, इच्छा पूर्ण हो जाएगी आपकी। बिल्कुल चिंता मत करिए, नौकरी नहीं लग रही, विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, धन नहीं आ रहा, जो भी आपकी इच्छा सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। चिंता मत करिए, मैं जो आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं उस प्रयोग को आप प्रेम से कर लीजिए, श्रद्धा विश्वास पूर्वक करियो, आराम से देखा करियो, आराम से समझा करियो, प्रेम से किया करिए। और मैंने बार बार आप लोगों से बोला है कि आप सभी लोग यदि अपने जीवन में परेशान है, हताश हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्या करना चाहिए, क्यों परेशानी आ रही है, कारण क्या है इस परेशानी का, तो मैंने बार बार बोला है कि आप लोग अपनी कुंडली दिखवाइए। कुंडली से ही पता चलेगा किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्या आ रही है। मैं वो आपकी कुंडली देख करके उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप बता दूंगा, उस ग्रह का आपको उपाय बता दूंगा, आप उपाय करने लग जाएंगे। 30 से 45 दिन में आपको अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलने लग जाएगा। सिंपल सी बात है, सभी बार बार अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी है, ये सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर मैं आपको स्वयं कॉल करूंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा, क्यों दिक्कत है, किस कारण से दिक्कत आ रही है, कब दिक्कत जाएगी, क्या प्रयोग करना है, क्या उपाय करना है। मैं जितने भी उपाय बताता हूँ सब घरेलू उपाय बताता हूँ, कोई आपको ऐसी ये नहीं कहूंगा आपके पूजा करवा लो, आपको ये करवा लो, कुछ नहीं। मैं पूजा वगैरह कुछ नहीं बताता हूँ, जो भी बताता हूँ आपको घरेलू उपाय बताता हूँ, जो आप आराम से कर लें और आपका धन भी खर्च ना हो जाता, ठीक है। और यदि आपका सपनी डिटेल नहीं है तो अपने बच्चे की डिटेल मुझे आप भेज सकते हैं, उसे भी आपकी कुंडली देख ली जाएगी। आपको करना क्या है इस प्रयोग के लिए, मैं बता दूं, आपको देखना है कोई शंकर जी का मंदिर हो और शंकर जी के मंदिर में पीपल का पेड़ लगा हुआ हो, ठीक है। शंकर जी का मंदिर हो, शंकर जी के मंदिर में पीपल का पेड़ लगा हुआ हो, देख लीजिए। आपको शंकर जी के मंदिर में जाना है, शंकर जी का पहले अभिषेक करिए, पूजन करिए और शंकर जी से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी सारी इच्छाओं को, जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाएं अनैतिक नहीं होनी चाहिए, नैतिक होनी चाहिए। इच्छाएं अनैतिक हैं तो वो पूर्ण नहीं होंगी, ये ध्यान रखिए। अनैतिक इच्छाओं से आपका भगवान से कहेंगे अनैतिक इच्छा पूर्ण करने के लिए तो आपका ही बुरा हो जाएगा, आपको ही पाप लगेगा। इसलिए कभी भी अनैतिक इच्छा मत करिए जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, जिससे किसी को दुख पहुंचे, ऐसी कोई इच्छा मत करिए। और कर्म करते रहिए, ये नहीं है कि हम कर्म कुछ नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे और इच्छाएं करते रहेंगे कि मैं ये हो जाऊं, अंबानी बन जाऊं, टाटा बिरला बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, अरबपति, नहीं। कर्म करते रहिए, कर्म करते हुए आपको जो सफलता नहीं मिल पा रही है उसके लिए प्रयोग होते हैं। ये नहीं कि आप घर में बैठे हैं, सो रहे हैं, कर्म कुछ कर नहीं रहे हैं, इच्छाएं इच्छाएं कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। कर्म करते हुए जिस चीज के लिए आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, उस सफलता के लिए प्रयोग होते हैं, ध्यान रखिए। और जो कर्म ही नहीं कर रहा है, कर्म विहीन लोग, वो कुछ ना करें, वो घर में ही बैठे रहे, वही ज्यादा अच्छा है। आपको क्या करना है, आप जाइए शंकर जी, सोमवार से प्रयोग चालू कर दीजिए, शंकर जी के मंदिर में जाइए, उनका अभिषेक करिए दूध से, बढ़िया जल से। उसके बाद आपको एक अमरवेल लेकर के जानी, अमरवेल आपको कहीं भी मिल जाएगी। अमरवेल से आपको 3 गांठी, जो शंकर जी के मंदिर में आपको पीपल का पेड़ है उसमें 3 गांठ अपनी इच्छा बोलते हुए उसमें अमरवेल में आपको लगा देनी है। ऐसा आपको लगातार 11 दिन तक करना है, सोमवार से स्टार्ट करिए, सोमवार से 11 दिन तक आप लगातार करिए।
जो भी आपकी इच्छा, शंकर जी के मंदिर में जाइए, शंकर जी के पहले अभिषेक करिए और पीपल के पेड़ में 3 गांठ अमरवेल लेकर जाइए, अमरवेल से आप बांध दीजिए। आप देखेंगे आपकी जो भी इच्छा होगी आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाएगी, निश्चित ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां खुशियां आ जाएगी। अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए, बहुत ज्यादा आवश्यक है। शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी लोग खुश रहें, आनंद में रहें, राधे राधे।